बात जो कि आप बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, ये क्या वजह है? आप सारे कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं, बीजेपी वाले को वोट नहीं डाल रहे हैं। एक कमांडर जो कि बीएसएफ का कमांडर था, उसने आवाम के ऊपर हाथापाई कर दी, इसलिए कि आप बीजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं। लाइव चल रहा है, देखो सर ये ढाई में एक साहब हाथ उठा रहा है, देख सकते हैं सब लोग, देख सकते हैं ये अढ़ाई के अंदर, फिर देख ले आवाम से झगड़ा कर रहे हैं, देख लो ये झगड़ा कर रहे हैं साहब, अढ़ाई के अंदर एक बीएसएफ ने जो कि लोगों पे हाथापाई कर दिया कि यहाँ क्या कर रहे हैं सभी लोगों के साथ, आप देख सकते हैं ऑनलाइन। पर्ची दे रहा वोट छटाना खोड़ी वाला में, इधर हमारे घर के साथ ही इधर वोट डालने के लिए आए हुए थे सब लोग, तो यहाँ लाइनें लगाई हुई थी, वोट डाल रहे थे, तो एक बीएसएफ का कैप्टन आया, तो पहले बीएसएफ वाले पहले भी बोलते रहे यार आप बीजेपी को वोट डालो यार आप बीजेपी को डालो, आप कर लो, हमने कहा यार लोगों की मर्जी है अब नहीं करो, तो उन्होंने फ़ोन किया तो एक कैप्टन आ गया, तो कैप्टन आया तो उस कैप्टन ने एक ही बार लाइन में खड़े हुए थे तो उसने धक्का शुरू कर दिया, धक्का शुरू करके उसने मुझे इतना धक्का लगा कि मैं तीन चार आदमी हम नीचे चले गए, तकरीबन 15 फुट नीचे गए हम, तो मेरी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई है, तो हमने कहा कि यार आप ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, तो वो इतने जज्बात में था, उसका नाम है बीएसएफ कैप्टन है अनकितन उनका उसका नाम है, तो उन्होंने बार बार यही कहा कि हम बार बार उनसे कहे कि यार आप रिक्वेस्ट है कि आप आर्मी वाले हैं, आप स्कूल से 20-30 मीटर दूर रहें, आपका काम है यहाँ देखभाल करनी, यहाँ सिक्योरिटी है, आप दूर रहें, यहाँ पुलिस का काम है, पुलिस को रहने दीजिए, तो वो जब आया तो उसने बिल्कुल एकदम ही धक्का शुरू कर दिया और मुझे वहाँ से धक्का लगाया और मैं नीचे गया और उसमें मेरी ये डीसी साहब से ये अपील है कि इसको सस्पेंड किया जाए, और देखो एक आर्मी वाला और बीएसएफ वाला और वहाँ से चल के वो यहाँ आता है और यहाँ आके तकरीबन ये तो, और वो कहता है कि आप बीजेपी को वोट डालो, देखो देखो उसको उसका इस चीज का क्या हाल है, तो फिर तो जब लोगों ने कहा अपनी मर्जी से तो उसने कहा मैं गोली लगा दूंगा और सीधा आया वो, उसने मुझे यहाँ से पकड़ के उसने नीचे भगाया, तो मैं तकरीबन 10 फुट वहाँ दूर गया और मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई है। मैं जनाब डीसी साहब से अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं हुई हम 2 दिन का टाइम देते हैं जनाब एसएचओ मंडी साहब से और डीसी साहब से, अगर नहीं होगी तो हम फिर रोड ब्लॉक करें, इसकी FIR आज नहीं लगी तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे, अभी हम ये प्यार से कह रहे हैं कि हमारे पे ये ज़्यादगी हुई है इस ज़्यादगी से, तो अगर 2 दिन एक दिन में ये FIR नहीं हुई तो हम फिर मजबूर होके हम फिर आज ही रोड भी ब्लॉक करेंगे।